नमस्कार, मैं उत्तम शर्मा, ज्योग्राफी टीचर, एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले है बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते तो ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अर्थात ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य हो उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं? तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं? तो नंबर एक है चंबल नदी घाटी परियोजना। नंबर दो माही बजाज परियोजना। नंबर तीन भाखड़ा नांगल परियोजना। नंबर चार ब्यास परियोजना। नंबर पांच इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये राजस्थान की पांच प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आज हम जिस परियोजना का अध्ययन करेंगे वो है चंबल नदी घाटी परियोजना। आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पहली चंबल नदी घाटी परियोजना रहेगा। तो हम बात करते हैं आगे चंबल नदी घाटी परियोजना की। तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में नंबर एक है चंबल नदी घाटी परियोजना। ये चंबल नदी घाटी जो परियोजना है वो राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अर्थात यह राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। अर्थात चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद आगे चंबल घाटी परियोजना का प्रारंभ 1952 से 54 के मध्य माना जाता है। अर्थात यह परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1952 से 54 के बीच में चंबल नदी घाटी परियोजना प्रारंभ हुई। नंबर तीन है चंबल घाटी परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों राज्यों की हिस्सेदारी 50-50% है। अर्थात दोनों राज्यों का कितना हिस्सेदारी है इसमें? 50-50%। यह है परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो ये चंबल परियोजना की तीन प्रमुख बातें हो गई। यह है प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है राजस्थान की। चंबल घाटी परियोजना का प्रारंभ 1952-54 में हुआ। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और दोनों राज्यों की हिस्सेदारी इसमें 50-50% है। अब बात आती है आगे कि चंबल घाटी परियोजना को जब प्रारंभ किया गया था तो इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? अर्थात चंबल घाटी परियोजना के प्रारंभिक उद्देश्य। चंबल घाटी परियोजना के प्रारंभिक उद्देश्य, अर्थात जब इसे स्टार्ट में पहली बार जब चंबल घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया तो इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए? तो पहला इसका उद्देश्य था चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करना। चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करना। दूसरा इसका उद्देश्य था 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध कराना। तीसरा जो इसका उद्देश्य था चंबल नदी घटी परियोजना का, चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करना। पहला उद्देश्य 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका दूसरा उद्देश्य। और तीसरा जो उद्देश्य था अर्थात चंबल घाटी परियोजना के प्रारंभिक उद्देश्यों में वो है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के लोगों का आर्थिक विकास करना। और चौथा जो इसका उद्देश्य है वो है 230 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना। अर्थात ये चंबल नदी घाटी परियोजना के प्रारंभिक उद्देश्य थे चार, 230 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करना, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के लोगों का आर्थिक विकास करना, 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और चंबल की विनाशकारी लीला को समाप्त करना। उसके बाद हम देखते हैं कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत चार बांध बनाए गए। अर्थात चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए? चार। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत चार बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? चार। पहला जो बांध है वो है गांधी सागर बांध। ये जो गांधी सागर बांध है ये पहला बांध है जो चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया। और गांधी सागर जो बांध है यह सन 1960 में बनाया गया। यह बांध सन 1960 में बनाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में, अर्थात यह बांध कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में सन 1960 में यह बांध बनाया गया। इस
की लंबाई, लंबाई 510 मीटर, चौड़ाई 64 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 62 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 64 मीटर है। अर्थात इस बांध की लंबाई 510 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 64 मीटर है। इस बांध से दो नहरें, इस बांध से दो नहरें निकाली गई। इस बांध से कितनी नहरें निकाली गई? दो नहरें निकाली गई। नंबर एक दाई नहर, दाई नहर जो पार्वती नदी को, नदी को पार करके मध्य प्रदेश चली गई। दूसरी बाई नहर, बाई नहर जो बूंदी जिले में जाकर मेज नदी में गिर जाती है, जो बूंदी जिले में जाकर मेज नदी में गिर जाती है। यह हुआ हमारा प्रथम पहला गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पर जो कुल विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन वो 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अर्थात गांधी सागर बांध पर कितने विद्युत का उत्पादन होता है? 115 मेगावाट। इसके बाद जो दूसरा बांध है वो है राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। तो दूसरा है नंबर दो राणा प्रताप सागर बांध। यह बांध कहां है? तो यह बांध राजस्थान में, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ जिले में रावतवाटा नामक स्थान पर है। यह सन 1970 में बनाया गया। यह बांध कब बनाया गया? 1970 में बनाया गया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा नामक स्थान पर है। इस बांध की लंबाई, इस बांध की लंबाई 1100 मीटर तथा ऊंचाई 36 मीटर है। इस बांध की लंबाई 1100 मीटर तथा ऊंचाई 36 मीटर है। इसी बांध के समीप, इसी बांध के समीप भैंसरोडगढ़ के पास 18 मीटर ऊंचा चूलिया जल प्रपात बना हुआ है। इसी बांध के पास 18 मीटर ऊंचा चूलिया जल प्रपात बना हुआ है। इसी बांध पर, इसी बांध पर परमाणु विद्युत गृह की स्थापना, की स्थापना कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से की गई। अर्थात इस बांध पर जो परमाणु विद्युत गृह की स्थापना है वो कनाडा देश के सहयोग से की गई। यहां 172 मेगावाट, मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अर्थात यहां कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यह बांध, यह बांध पानी के भराव की क्षमता, यह बांध पानी के भराव की क्षमता की दृष्टि से
सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है अर्थात पहले स्थान पर है। पानी के भराव क्षमता की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। उसके बाद जो नंबर तीन, तीसरा जो बांध है वो है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तीसरा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर जो बांध है वो कोटा के समीप, कोटा के समीप बोरावास गांव में बनाया गया सन 1972 में। अर्थात यह जो बांध है वो कोटा के समीप बोरावास गांव में बनाया गया सन 1972 में। इस बांध की लंबाई 445 मीटर, 440 मीटर तथा ऊंचाई 45 मीटर है। इस बांध की लंबाई 440 मीटर तथा ऊंचाई 45 मीटर है। इस बांध पर जल विद्युत गृह भी बना हुआ है, इस बांध पर जल विद्युत गृह भी बना हुआ है और 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है अर्थात 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस बांध पर किया जाता है। उसके बाद है चौथा और वो है कोटा बैराज बांध, चौथा है कोटा बैराज बांध। नंबर चार कोटा बैराज बांध, यह बांध कोटा में है। इसकी स्थापना सन 1960 में की गई। अब इस बांध का नाम है कोटा बैराज बांध। तो सबसे पहले आता है बैराज किसे कहते हैं, तो बैराज का मतलब होता है पानी का वह क्षेत्र जहां से पानी का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है उसे बैराज कहते हैं। अर्थात पानी का वह क्षेत्र जहां से पानी का उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता हो उस क्षेत्र को, पानी के क्षेत्र को बैराज कहा जाता है। अर्थात इस बांध से पानी का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही किया जाता है। इस बांध से दो नहर निकली है, दो नहर, एक है दाई नहर और दूसरी है बाई नहर। दाई नहर वही पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश चली जाती है और बाई नहर कोटा तथा बूंदी जिले में सिंचाई का कार्य करती है। बाई नहर है वो कोटा तथा बूंदी जिले में सिंचाई का कार्य करती है। उसके बाद हमने देखा कि चंबल नदी घाटी परियोजना पर कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, तो चंबल नदी घाटी परियोजना पर कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, तो गांधी सागर बांध पर जो विद्युत का उत्पादन होता है वो होता है 115 मेगावाट। गांधी सागर बांध के बाद राणा प्रताप सागर बांध पर होता है 172 मेगावाट और कोटा जवाहर सागर बांध इस पर होता है 99 मेगावाट अर्थात
इस चंबल परियोजना के अंतर्गत जो विद्युत का उत्पादन होता है वो है 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें दोनों राज्यों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, अर्थात 193 मेगावाट राजस्थान और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश के हिस्से में चली जाती है, अर्थात दोनों राज्यों में 193 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस चंबल नदी घाटी परियोजना के क्या उद्देश्य एवं क्या प्रभाव पड़े, अर्थात चंबल नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य या प्रभाव, क्या उद्देश्य थे, क्या प्रभाव पड़े इसके। तो पहला, कोटा शहर औद्योगिक शहर बन गया, कोटा शहर औद्योगिक शहर बन गया। नंबर दो, कृषि का विकास हुआ, कृषि का विकास। नंबर तीन, सिंचाई का विकास हुआ, सिंचाई का विकास। नंबर चार, क्या उद्देश्य क्या प्रभाव पड़े, नंबर चार है विद्युत उत्पादन का विकास। नंबर पांच, बाड़ों पर नियंत्रण। नंबर छह, चंबल पर्यटन क्षेत्रों का विकास। नंबर सात, 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा। नंबर आठ है राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत होना, ये इसके उद्देश्य एवं इसके लक्ष्य या इसके प्रभाव थे चंबल नदी घाटी परियोजना के। यहाँ ये चंबल नदी घाटी परियोजना कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में माही बजाज सागर परियोजना का अध्ययन कराया जाएगा।